सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों हर कुल की या फिर परिवार की एक कुल देवी या फिर कुल देवता जरूर होते हैं। उनकी पूजा अगर उस कुल या परिवार के लोग रोज सुबह करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे मित्र हमसे आजकल व्हाट्सएप पे, ईमेल पर, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे हैं कि हमें अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता नहीं है। कुल देवी कुल देवता के साथ साथ हमें अपने इष्ट देव के बारे में भी पता नहीं है, तो हम अपनी कुल देवी कुल देवता और इष्ट देव को कैसे पहचाने, कैसे पता लगाएं कि हमारा इष्ट देव कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। इस वीडियो में मैं आपको कुल देवी या कुल देवता दोनों एक ही होते हैं, कुल देवी या कुल देवता और इष्ट देव का पता करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। अपनी कुल देवी और इष्ट देव को पहचानने का यह तरीका हमें जगन्नाथपुरी के पूज्य शंकराचार्य ने बताया है। शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं। उनके मुख से जो कुछ भी निकले वो हमारे लिए एक तरह से आज्ञा होता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने कुल देवी या कुल देवता को पहचान पाएं, ताकि उनकी पूजा पाठ करके उनकी कृपा हम पा सकें। हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी भगवानों में, देवताओं में जो प्रमुख होते हैं वह है परमात्मा। परमात्मा से ही सभी भगवान सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। और परमात्मा के पांच रूप होते हैं। जब परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा या फिर सूर्य कहा जाता है। वहीं जब परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं तो उन्हें विष्णु कहा जाता है। जब परमात्मा सृष्टि का संहार करते हैं तो उन्हें महेश या फिर शिव कहा जाता है। जब परमात्मा तिरोधान या फिर निग्रह करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहा जाता है। जब परमात्मा अनुग्रह करते हैं उस समय उनका नाम गणेश होता है। इस प्रकार परमात्मा के पांच रूप होते हैं। ये जो परमात्मा के पांच रूप हैं, इन्हीं से सभी प्रकार के भगवान देवताओं की उत्पत्ति हुई है। सभी देवता इन्हीं के अवतार हैं। इन्हीं पांचों देव में से कोई एक देव हमारे इष्ट देव होते हैं। इष्ट देव अर्थात इन पांचों देवों में से जिनके प्रति आपका झुकाव सबसे ज्यादा हो वो आपके इष्ट देव होते हैं। जब भी आप किसी संकट में हो तो सबसे पहले जो भगवान आपको याद आते हैं वो आपके इष्ट देव होते हैं, या फिर आप जिनकी पूजा ज्यादा करते हैं वो आपके इष्ट देव हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति का अगर झुकाव भगवान राम के प्रति ज्यादा है, होता है कई बार, किन्हीं का झुकाव शक्ति के प्रति ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग माता रानी की पूजा ज्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे भगवान शिव की ज्यादा पूजा करते हैं, उन्हें शिव के प्रति ज्यादा आस्था है। तो ऐसे में अगर कोई मान लीजिए भगवान राम के प्रति किन्हीं का झुकाव ज्यादा है तो भगवान राम उनके इष्ट देव हुए। भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं। ऐसे लोग भगवान राम की पूजा तो करें, लेकिन बाकी बचे जो चार देव हैं, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा और शिव, इनके प्रति भी अपनी आस्था रखें। ऐसा नहीं कि अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं लेकिन और भगवानों के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा करें और बाकी बचे चार देवताओं की प्रति भी आस्था रखें। इस प्रकार आप अपने इष्ट देव को जान सकते हैं। अब जब आपने अपने इष्ट देव को पहचान लिया है तो अब बारी आती है अपने कुल देवी या फिर कुल देवता के पहचान करने की। आपको करना क्या है, रोज रात में सोते समय में अपने इष्ट देव का स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको सपने में वो आपके कुल देवी या कुल देवता का बोध कराए। ऐसा हर रोज प्रार्थना करके आपको सोना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको सपने में आपके कुल देवी या फिर कुल देवता का बोध हो जाएगा। मित्रों अगर आपको इस विषय में कुछ और भी जानना है तो निसंकोच होकर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की मदद से अपने इष्ट देव और कुल देवी को पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।